मेरी अति प्रियो प्रभु यीशु के नाम से अभिवादन करता हूँ। आज का दिन एक खास दिन है आपका जीवन में, एक अद्भुत चमत्कार होने वाली है। शायद आपका जीवन में जिस राहों में आप ओके जा रहे हैं, आपको घबराहट है कैसे होगा, क्या आगे खतराएं, हमें पता नहीं है किस राहों में चलना, यदि नए मार्गों में चलने से वहां आगे क्या क्या खतरे रखा हुआ है, कैसे उसमें निकल सकते हैं, कैसे उसमें सुरक्षित जा सकते हैं। प्रभु क्या कहता है यशायाह 52 अध्याय का 12 वचन में, यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इसराइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। इसराइलियों को परमेश्वर जब मिस्र से छुड़ाया, उनको कनान देश में अगुवाई करते हुए उन्हें ले गया था, जंगल में, राहों में, देखिए मरुभूमि में, जहां कुछ भी उनको नहीं दिखाई पड़ा, नहीं था, उस वक्त में प्रभु ने उन्हें अगुवाई किया। कैसे प्रभु आगे आगे उनका अगुवाई किया, कैसे आगे अगुवाई किया मालूम है? जी हाँ, दिन में बादल के नहीं, रात में अग्नि के खंभे के नहीं, उन्हें आगे पीछे परमेश्वर ने रक्षा किया और अगुवाई किया। जैसे पीछे कोई हमलावर, कोई जो है विपत्ति आने से परमेश्वर उनके पीछे अग्नि खंभा के रूप में उन्हें अगुवाई किया। दिन में वहां देखे बादल बन के रक्षा किया। कम से कम 30 लाख छोटे बड़े बच्चे, इतने लोग हैं, सबको परमेश्वर ने उन्हें आगे पीछे दोनों तरफ से परमेश्वर उन्हें रक्षा करते हुए आगे आगे अगुवाई किया। उनको कोई भी विपत्ति को उनके पास नहीं आने दिया, परमेश्वर उन्हें रक्षा किया। इसलिए डरना नहीं, परमेश्वर आपको आगे पीछे आगे अगुवाई करते हुए रक्षा करेगा। आपका परिवार में आप शायद घबराए हुए ना, डरते डरते आप रहते हैं, आगे क्या करेंगे, कैसे इस कार्य में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपके साथ रहता है, डरना नहीं है, परमेश्वर आपका आगे आगे अगुवाई करेगा, आपको वो रक्षा करेगा। यदि आप कहेंगे पीछे से कोई हमलावर या कुछ विपत्ति आने से, जरूर परमेश्वर आपको रक्षा करेगा। आगे और पीछे इतना प्यारा परमेश्वर है, हमें वो रक्षा करता है। आप बेड़ों को चराने वाला चरवाहा को देखिए। इसराइल देश में इस प्रकार बेड़ों को चराने के लिए दो दो चरवाहा रहते हैं। उनके हाथ में एक लाठियां रहती है, उससे वो अपने बेड़ों के लिए चरा देने के लिए उसी के सहारा वो देते। इस प्रकार वे अगुवाई करके आगे बढ़ाते हैं। आगे कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ चारा मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक चरवाहा आगे है। यदि पीछे कोई भेड़िया आके हमला करेगा तो क्या करेंगे, डरना नहीं, पीछे भी एक चरवाहा जो है डंडे के साथ वो भी खड़ा है। पीछे भेड़ियों से और आगे भी परमेश्वर एक चरवाहा के नाई हमें रक्षा करता। भजन संहिता लेखक कहता है ना, भजन संहिता 23 में, तेरे सोठे लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। इसलिए हमारे आगे परमेश्वर यीशु मसीह आगे आगे है। इसलिए आपको कभी भी नहीं डरना, आपको कहना हे परमेश्वर तू आगे बादल के नाई और पीछे अग्नि के नाई हमें रक्षा करता है, हमारे कोई घबराहट नहीं है, विश्वास करने से अद्भुत कामों को देखेंगे। ये यीशु तू हमारे आगे चलता है, हे परमेश्वर तू हमारे पीछे भी रक्षा करता है। इसलिए हमें कभी भी डर नहीं है, किसी बात की हमें चिंता नहीं है। आपकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए स्तुति वो यीशु के नाम में, आमीन आमीन।